अलीगढ़ गुरुकुल आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र अचानक नाटकीय रूप से गायब हो गया, जिसकी सूचना स्कूल के शिक्षक द्वारा परिजनों को दी गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने गुरुकुल विद्यालय के प्रधानाचार्य पर आरोप लगाए हैं कि विद्यालय में पढ़ने वाला छात्र अचानक कैसे गायब हो गया। विद्यालय से गायब हुए छात्र का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। आपको बता दें, पूरा मामला थाना खैर क्षेत्र के गोमत इलाके में स्थित गुरुकुल आवासीय विद्यालय का है, जहां गुरुकुल में पढ़ने वाला जिला गोंडा का एक छात्र अचानक नाटकीय रूप से अचानक गायब हो गया, जिसका विद्यालय प्रबंधन द्वारा कोई सुराग नहीं लग सका। वहीं विद्यालय के शिक्षक द्वारा सूचना पर पहुंचे छात्र के परिजनों की तहरीर के आधार पर खैर पुलिस ने लापता छात्रा की गुमशुदगी दर्ज कर छात्र की तलाश शुरू कर दी। गुमशुदा छात्र के पिता ने आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य पर आरोप लगाते हुए कहा, प्रधानाचार्य की लापरवाही के चलते उनका बेटा गायब हुआ है। समय रहते अगर विद्यालय प्रबंधन के साथ सख्ती बरतते तो उनका बेटा लापता नहीं होता। हालांकि पूरे मामले में छात्र गायब होने के बाद पुलिस ने गुमशुदगी तो दर्ज कर ली है, लेकिन लापता छात्र का कोई सुराग नहीं लग सका। क्या नाम है तुम्हारा? सुरेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। कहाँ के? गोंडा, जिला गोंडा। अच्छा, कौन सा गांव है? गांव है दौरारा। अच्छा, क्या घटना हुई है? जी मेरा बच्चा है आर्ट्स, श्री कृष्ण आर्ट्स गुरुकुल गोमत में पढ़ता था जी। ये कौन सी जगह पढ़ता है स्कूल? जी गोमत में पढ़ता है, गोमत। गोमत थाना कौन सा? जिला अलीगढ़ और थाना है खैर जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? जी जुलाई में एडमिशन करवाया था हमने, और तब से मतलब पढ़ रहा था, फिर बीच में एक बार घर भी गया था, तो अभी मैंने पिछले हफ्ते इसको छोड़ के यहाँ गुरुकुल में गए हैं जी। फिर कल अचानक वो गुरुजी ने फ़ोन किया, मतलब कि तुम्हारा लड़का यहाँ से गायब है, तो उसी का मतलब खोजबीन करने के बाद अभी तक कोई पता ना चला, इसलिए मैं अब थाने में आके ना उसकी रिपोर्ट करा रहा हूँ उसके गुरुकुल के ऊपर जी। गुरुकुल जो संस्थापक हैं जी, जो प्रधानाध्यापक हैं उनके। अच्छा, तो आपके बेटे का क्या नाम है? जी हिमांशु यादव। कितनी उम्र रही होगी? जी लगभग 13 वर्ष है जी। कैवी क्लास में पढ़ता था? जिस कक्षा 6 में पढ़ता था जी।